वालिद का इंतकाल हो गया। 5 साल के बाद वालिद का एक चश्मा मिला। वो चश्मे को देखकर आंख भर आ जाती है कि अब्बू का चश्मा। पहनकर दिल रोने लगता है कि मेरे अब्बू का चश्मा, मेरे अब्बू की टी शर्ट। अब्बू के चीजों को देखकर हम बड़े इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन अब्बू का खून है ना सगा भाई, अब्बू का प्रोडक्ट है, जिंदा है, वो तो नॉन लिविंग एक चीज है। एक चश्मा तो कोई एक चीज है, उसको देखकर तबर्रुक करके अलमारी में रखते हो आप कि ये अब्बू की टी शर्ट है, ये अब्बू की साइकिल है, ये अब्बू का पेन है, ये अब्बू का कुर्ता है। लेकिन अब्बू की जान, जो बेटा होता है ना, जान नहीं होता है वो, उससे बात नहीं करते हो आप। उसके अब्बू के चश्मे की ले आकर आप कदर कर रहे हो, अलमीरे में रख रहे हो। अब्बू जिंदा होते तो क्या अब्बू की आंख देखना चाहती कि दो भाई लड़े? रिश्तों में मजबूती होना बहुत जरूरी है। रिश्ते जो होते हैं ना पहले, वो इम्पोर्टेंट है। अपने वालिदैन, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ, अपने फादर इन लॉ, अपने मदर इन लॉ, अपने ननन, ये आपके जिस्म के हिस्से हैं। अगर कोई हिस्सा टूट जाता है तो आप अपाहिज हैं, आप लंगड़े हैं। आप समझते हैं कि आप खुश है अकेले बैठकर, अकेले आप खुश नहीं है, आप लंगड़े हो जाते हैं। एक भी रिश्ता तोड़ते हो आप तो